हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू हेल्दी टेक्स बाय मो। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों में बहुत से लोग व्रत रखते हैं और व्रत का खाना मोस्टली ऑयली या फिर फ्राइड होता है, बट आज हम देखेंगे एक हेल्दी नॉन फ्राइड रेसिपी। हम बनाएंगे कुट्टू के आटे का डोसा। कुट्टू का आटा, जिसे कि बकव्हीट फ्लार भी कहते हैं, वो काफ़ी हेल्दी होता है। इस डोसे के साथ हम बनाएंगे पीनट चटनी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इन उपवास की रेसिपी को, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें। पहले हम डोसे का बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कुट्टू का आटा, ये आपको आसानी से कहीं भी ग्रॉसरी स्टोर पे मिल जाएगा। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, मैंने सेंधा नमक का यूज़ किया है, उपवास का जो नमक होता है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही, ये नॉर्मल योगर्ट है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, सो लगभग 3/4 कप वाटर हम यूज़ करेंगे। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमारा बैटर बनके तैयार है। इस तरह से एक फ्लोई बैटर बनाना है हमें, इतना ही बैटर को पतला रखना है। चलिए अब चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो पीनट चटनी बनाने के लिए हम पहले पीनट्स को रोस्ट कर लेते हैं। ये पीनट्स हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब हम बनाते हैं चटनी। एक मिक्सी जार में हम ऐड करेंगे रोस्टेड पीनट्स, साथ ही ऐड करेंगे कुछ धनिया के पत्ते, सो अ हैंडफुल। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे सेंधा नमक, उपवास का नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे दही, सो ये 2 टेबलस्पून दही है, और थोड़ा सा पानी ऐड करके लगभग 1/2 कप हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी चटनी बनके तैयार है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है और कलर भी। चलिए अब इसमें हम तड़का लगा लेते हैं। तो टेम्परिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल, ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 to 3 करी लीव्स, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा को हम अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। टेम्परिंग हमारी रेडी है, अब इसे हम ऐड कर देते हैं चटनी पे। ये हमारी फराली पीनट चटनी यानी उपवास की पीनट चटनी बनके तैयार है। चलिए अब डोसा बना के तैयार कर लेते हैं। डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है नॉनस्टिक तवा, इसे मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम कर लिया है। आपको मेक श्योर करना है कि तवा ज़्यादा गर्म ना हो। अगर तवा ज़्यादा गर्म हो गया तो आप इस पर थोड़ा सा ठंडा पानी स्प्रिंकल करके आप इसका टेम्परेचर कम कर सकते हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल के तवा को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। फ्लेम को यहाँ मैंने लो पे रखा है और इस तरह से थोड़ा सा बैटर हम सेंटर में पोर करेंगे और लैडल की हेल्प से बैटर को स्प्रेड करते हुए डोसा बना लेंगे। तवा को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सो दैट हमारा जो बैटर है वो चिपके नहीं। डोसा हमारा स्प्रेड हो गया है, अब हम फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखते हुए इसे कुक कर लेते हैं। कुट्टू का आटा यानी कि बकव्हीट फ्लार एक काफ़ी न्यूट्रिशियस फ्लार है। इट इज़ रिच इन प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिंस एंड मिनरल्स। सिंस ये लो कैलोरी है तो ये बेस्ट है फॉर ऑल द वेट वॉचर्स। एक साइड से अच्छे से कुक हो गया है, इस पर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करते हैं और इसे फ्लिप कर देते हैं और हम दूसरी साइड भी इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। डोसा हमारा दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो गया है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम दूसरे डोसा भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये थी हमारी हेल्दी नॉन फ्राइड उपवास की रेसिपी, कुट्टू का डोसा और पीनट की चटनी। आप भी इस नवरात्रि इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।